कितना बड़ा गौरव हम लोगों को मिला कि एक ऐसे देवी अभियान के साथ, एक ऐसी ईश्वरी व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। कट्टीवाड़ा में थे, अलीराजपुर का जोबट का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग थे। तो वहाँ पर एक दिन में गुरुदेव की स्थापनाएं 7 केंद्रों की है। हम लोग सुबह के 3:30 बजे निकले, जिस समय में गुरुदेव करके आए 40 वर्ष पहले, उस समय में वहाँ पर आधी जगह पे पानी बहता था। गुरुदेव नाव से गए, कहीं बैलगाड़ी से गए, कहीं पैदल गए, और हम लोग सुबह के 3 बजे के निकले हुए हैं। रात को 10:30 बजे जब हम लोगों ने अंत किया तो 7 में से 6 केंद्रों को देख पाए थे, 7वां तब भी नहीं देख पाए थे। कितना काम गुरुदेव करके गए, उसको देख करके मन में कभी कभी लगता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का, इस देवी व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पर उसके साथ एक छोटा दर्द जुड़ा हुआ है, और जो दर्द जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो ये है कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का अवतारी स्वरूप है, उनका जो अलौकिक जीवन है, उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनके जीवन का, उनके दर्शन का, उनके चिंतन का, उनकी चेतना का, उनके कर्म का, उनकी साधना का, उनकी उपासना का, उनकी तपस्या का, उनके जीवन दर्शन का, और जो उनके अंतर मन की पीड़ा रही होगी, उसका जो उद्देश्य था, उसको लोगों तक पहुंचाने में, उसको विश्व तक पहुंचाने में हम लोगों के कदम कहीं पर शिथिल पड़ रहे हैं। करने को बहुत सारा है, हर व्यक्ति के पास हम लोगों को जाने की आवश्यकता है, हर घर तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊर्जा बिखर जाती है और उन चीजों की ओर लग जाती है जहां पर हमारे मन को, हमारे जीवन के उद्देश्य को लगने की आवश्यकता नहीं। केंद्र बन गए तो ठीक, उनकी व्यवस्थाएं बन गई तो ठीक, उनकी समितियां बन गई तो ठीक, उनके ट्रस्ट बन गए तो ठीक, न बने होते तो भी कोई बात नहीं थी। पर हम लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि गुरुदेव जिस पीड़ा को हमें दे करके गए, उस पीड़ा को हम लोग लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। और मुझे ये देख करके कभी कभी थोड़ा मन में कष्ट होता है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए खड़ा हुआ, कि जिस भाव के साथ हम लोग गुरुदेव और माता जी को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि उसी भाव को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाए, हम बता पाए उनको कि गुरुदेव माता जी को देखने के पीछे हम लोगों का भाव क्या था, किस कष्ट को लेकर उनने अपने जीवन को जिया। मुझे देख करके कभी कभी कष्ट होता है, जब मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए गुरुदेव मात्र गायत्री परिवार के संस्थापक बनकर के रह गए, वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता नहीं थे, वो गायत्री परिवार के संस्थापक नहीं थे, हमारे लिए वो तस्वीर नहीं है जहां पर हम लोग पुष्प चढ़ाएं और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लें, हमारे लिए वो समाधि का पत्थर नहीं है कि हम लोग सिर टिका करके आए और सोचें कि आज हम लोगों का काम खत्म हो गया, ना, हमारे लिए तो धड़कन है वो, हमारी, हमारा जीवन गुरुदेव है, इसके अलावा तो और कुछ हमने सोचा ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो दर्द हम आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें, कि जिस दर्द के साथ गुरुदेव ने जीवन को जिया, और यदि उस दर्द को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाने की स्थिति में होते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन सौभाग्य के साथ गया। हमारे जीवन का दर्द एक ही है, जब मेरे को ये देख करके कभी कभी मन में कष्ट होता है कि हम लोगों को शायद बताने से चूक जाते हैं कि गुरुदेव के जीवन का मूल उद्देश्य क्या था। हमारे लिए वो PhD का रिसर्च टॉपिक नहीं है, हमारे लिए वो ये नहीं है कि गुरुदेव ने क्या स्थापित किया, क्या किया, हमारे लिए तो धड़कन है वो हमारे। मैं 95% लोगों को जानता हूँ गायत्री परिवार के, जिनके मन में यही दर्द है, और वो समझ सकते होंगे कि मैं किस भाव के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। मेरे कहने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, पर मैं कह उनके लिए नहीं रहा हूँ जिनके हृदय में गुरुदेव निवास करते हैं, मैं कह उनके लिए रहा हूँ जो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि गुरुदेव और माता जी किस चेतना का नाम थे, उनके लिए सिर्फ गुरुदेव एक साहित्यकार बनकर के रह गए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि गुरुदेव और माता जी का नाम बताने में कभी कभी वो उस संकोच को प्राप्त कर जाते हैं जिसको करने की आवश्यकता नहीं। अन्य महापुरुषों के नाम तो लोग गर्व और गौरव से लेना चाहते हैं, पर गुरुदेव को अवतारी चेतना बताते समय में उनकी जीभ कांप जाती है, भूल जाते हैं वो लोग कि इस पूरे गायत्री परिवार में, इस पूरे शांति कुंज में, इस पूरे कण कण के अंदर सिर्फ उसी चेतना का तो निवास है। यहाँ पर कवि भी वही है और कविता भी वही, यहाँ पर गायत्री परिवार और गुरुदेव भिन्न थोड़े हैं, जो कृति है और जिसने बनाया वो दोनों एक ही हैं। यहाँ पर कण कण पर उन्हीं का निवास है, और जो घट रहा घटनाक्रम है या घटने वाला है या घट चुका है, इसके एक एक क्षण का उनको पूरा आभास है।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।